दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा रेस्पॉन्स देने के लिए आपका वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। एंड आज हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर या किसी भी मॉडल की गाड़ी हो, तो कमेंट्स बहुत आ रहे थे मेरे पास, सर जब मैं 4-5 किलोमीटर गाड़ी चला लेता हूँ तो ये जो रेडिएटर का ऊपर वाला हॉज है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, ये गर्म रहता है नीचे वाला जो हॉज पाइप है उसके मुकाबले, नीचे वाला ठंडा रहता है एंड ये वाला ज़्यादा गर्म क्यों हो जाता है, आज इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि ये पाइप क्यों ज़्यादा गर्म रहता है एंड वो नीचे वाला जो पाइप है वो इतना ठंडा क्यों रहता है, मतलब इसके मुकाबले ठंडा क्यों रहता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो आपको पता ही होगा इन पाइप जो है, इन पाइप्स के अंदर कूलेंट चलता है। ठीक है, अब वो कूलेंट कहाँ कहाँ चलता है वो चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। इसका एक पहले प्रॉपर एक सर्कुलेशन समझते हैं कि कूलेंट कहाँ कहाँ से कैसे चलता है और उसका फ्लो इस तरीके से होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को जाता उल्टा जाता है या सीधा जाता है, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये पाइप नीचे वाले पाइप के मुकाबले, जो नीचे वाला हॉस पाइप है कूलेंट का, उसके मुकाबले ये इतना ज़्यादा क्यों गर्म रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे, तो ये जो कूलेंट का जो पाइप है, ठीक है, यहाँ पर देखिए रेडिएटर हो जाता है ये। ठीक है, ऊपर की तरफ ये रेडिएटर की टैंक हो गई है, यहाँ से कूलेंट जो है गर्म कूलेंट वो अंदर की तरफ आता है। पहले मैं आपको पूरा सर्कुलेशन समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर है ये इसकी रिजर्वायर बोतल, कूलेंट बोतल जो होती है ये इसलिए रखी जाती है क्योंकि मान लो कूलेंट अगर रेडिएटर के अंदर कम हो जाए तो इसके अंदर से ये इस पाइप के रास्ते, ये देखिए ये जो पाइप लगा हुआ है इसमें, ये पाइप सीधा जाके कूलेंट की टैंक में लगा हुआ है। ठीक है, अगर ये कूलेंट रेडिएटर के अंदर कम हो जाता है तो ये पाइप के रास्ते रेडिएटर उसको सक कर लेता है एंड कूलेंट इसके अंदर से रेडिएटर के अंदर पूरा हो जाता है और सर्कुलेशन बनता रहता है। ठीक है, ये होता है एक रिजर्व के लिए कि कूलेंट अगर कम हो गया तो रेडिएटर खींच लेगा एंड उसमें सर्कुलेशन बना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये काम बोतल का होता है। ठीक है, एंड अभी हम समझेंगे कि आगे इसका सर्कुलेशन होता कैसे है। तो आपको देखना होगा, जब यहाँ देखिए, पहले आप इसमें मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ इसकी कूलेंट एल्बो लगी हुई है। ठीक है, और ये इसका ECT सेंसर लगा हुआ है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। एंड यहाँ देखिए, यहीं से ये एक पाइप गया हुआ है नीचे की तरफ, आगे की साइड में उस तरफ। तो ये जो पाइप गया हुआ है नीचे, ये गया हुआ है रेडिएटर के बिल्कुल पास से होता हुआ ऑयल कूलर के अंदर। तो सामने आप देख रहे होंगे तो ये ऑयल कूलर लगा हुआ है, जो ये पाइप क्लिप वाला इसमें लगा हुआ है। एंड उसके बिल्कुल जस्ट नीचे से जो पाइप गया हुआ है आगे की तरफ, ये पाइप सीधा इस तरफ से घूमने के बाद, यहाँ से देखिए ये पाइप बिल्कुल नीचे उसी के पास से आ रहा है। ठीक है, एंड वहाँ से घूम के सीधा नीचे नीचे जाता हुआ रिजर्वायर बोतल के नीचे लग जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये आपको यहाँ पर सही से दिखाई दे जाएगा, ये रिजर्वायर बोतल में ये पाइप लग गया जाके। ठीक है, तो ये इसका सर्कुलेशन हो जाता है, यहाँ से कूलेंट सक करके रेडिएटर के अंदर आ जाएगा एंड रेडिएटर में ज़्यादा होगा, मतलब सिस्टम में ज़्यादा हो जाएगा तो ये सीधा इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, एंड अब मैं इसका सर्कुलेशन आपको बता देता हूँ। एक पाइप और नीचे देखिए, नीचे की तरफ वो सीधा इंजन में लगा हुआ है जाके। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये जब इंजन में कूलेंट चला जाएगा तो इधर ये वाटर पम्प है हमारा गाड़ी का, यहाँ पर देखिए इसकी वाटर पम्प की पुली है, ये वाली जो पुली है ये वाटर पंप की पुली है। जब ये घूमेगी तो घूमते ही ये क्या करेगी, कूलेंट को रेडिएटर के अंदर से खींचेगी, जो नीचे वाला हॉस पाइप है उसको खींचने के बाद इंजन के अंदर कूलेंट को भेज देगी। ठीक है, इंजन के अंदर जैसे ही कूलेंट जाएगा तो पूरा घूम घाम के इस तरफ से जाएगा कूलेंट अंदर इंजन के अंदर एंड घूम के पूरा यहाँ पर हेड के रास्ते होते हुए इस कूलेंट एल्बो में आके मिल जाएगा। ठीक है, ये सर्कुलेशन होता है जब हमारी गाड़ी का थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है, उसके बाद कूलेंट जो एक्स्ट्रा कूलेंट जो इंजन के अंदर चला जाता है खुलने के बाद वाल्व में, यहाँ से कूलेंट अंदर जाएगा इंजन में तो घूम घाम के यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद दो जगह कूलेंट जाता है, एक इस तरफ भी जाएगा कूलेंट बोतल की तरफ, ठीक है, जो रिजर्वायर है, और एक जाएगा हीटर कोर की तरफ। ठीक है, ये देखिए हीटर कोर की पाइप है, ये नीचे से, नीचे वाले पाइप से हीटर कोर की तरफ जाता है कूलेंट एंड ऊपर वाले से घूम घाम के ये पाइप, मतलब ये जो पाइप है ये नीचे आके वहीं पे लग जाता है कूलेंट के नीचे वाले पाइप में। ठीक है, एंड इसके बाद वहीं से ही जो कूलेंट है, यहाँ से जो कूलेंट है ये सीधा
नीचे वाला जो कूलेंट का रिजर्वायर पाइप है, मतलब कूलेंट बोतल रेडिएटर का जो पाइप है, उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, सर्कुलेशन ये हो गया। आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, यहाँ से क्या होगा, नीचे वाले पाइप से, ये वाला जो नीचे वाला पाइप है, वहाँ से कूलेंट निकलेगा ऐसे। ठीक है, वाटर पंप के अंदर जाएगा, जाने के बाद यहाँ से इसमें हीटर कोर के नीचे से होते हुए, ठीक है, नीचे घूमते हुए आएगा एंड इसके बाद यहाँ से होते हुए ऊपर से इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, वो अलग से, वो हीटर कोर से भी जाता रहता है, बट जो गर्म कूलेंट है वो इस तरफ से आता है एंड कूलेंट के अंदर गिर जाता है। ठीक है, एंड अभी ये होता क्यों है, रेडिएटर क्यों लगाया गया है, इसको ठंडा करने के लिए लगाया जाता है। अब जब गर्म कूलेंट यहाँ से आएगा, सीधा मुद्दा आपको मैं अब समझा देना चाह रहा हूँ, जब गर्म कूलेंट घूम घाम के इंजन से यहाँ पर आएगा थर्मोस्टेट के पास, मतलब जो ये एल्बो है इसी के अंदर इनबिल्ट रहता है थर्मोस्टेट वाल्व। ठीक है, तो जब यहाँ पर आएगा तो थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होने के बाद सारा जो गर्म कूलेंट है वो रेडिएटर के अंदर ऊपर से आएगा एंड ये पाइप बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, 4-5 किलोमीटर जब चल जाएगी वो रहता है, इसीलिए क्योंकि गर्म कूलेंट सीधा इंजन से रेडिएटर के अंदर आता है। ठीक है, एंड अभी इसके बाद वो नीचे वाला पाइप ठंडा क्यों रहता है, वो इसलिए रहता है, इसमें देखिए रेडिएटर में फिन्स बने हुए हैं। ठीक है, तो जो कूलेंट है अपना वो इन फिन्स के रास्ते बिल्कुल नीचे जाता है एंड फैन चलता रहता है। ठीक है, फैन चलेगा तो आगे की साइड से रेडिएटर के अंदर से ये एयर खींचेगा। ठीक है, कूलेंट नीचे जाता रहेगा तो ये इसको ठंडा करता रहेगा, कूलेंट को ऊपर से जितना कूलेंट नीचे फ्लो करेगा उतना ठंडा होता हुआ नीचे जाएगा एंड इसी वजह से जो नीचे वाला कूलेंट वाला पाइप है वो ऊपर वाले होस पाइप के मुकाबले नीचे वाला जो कूलेंट होस पाइप है वो ठंडा रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ये ऐसे ही सर्कुलेशन होता है एंड ऊपर वाला पाइप इसीलिए मैक्सिमम टाइम हर एक गाड़ी में ज़्यादातर ऊपर वाला पाइप इसी वजह से गर्म रहता है, क्योंकि गर्म कूलेंट सीधा ऊपर वाले पाइप से सीधा आके रेडिएटर में गिरता है एंड रेडिएटर से ठंडा होता हुआ इन फिन्स के रास्ते नीचे जाता है, एयर फ्लो करती है एयर रेडिएटर के अंदर से इस फैन के थ्रू, फिर वो एयर उसको ठंडा करती चली जाती है एंड नीचे जाके कूलेंट जब निकलता है इस पाइप के रास्ते से, ये वाला जो पाइप है नीचे वाला कूलेंट का इस पाइप के रास्ते से, तो वो ठंडा होके निकलता है, बहुत कम ठंडा, मतलब ज़्यादा गर्म भी नहीं होता ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता, बट इसी वजह से इन दोनों के अंदर डिफरेंस आ जाता है, ऊपर वाला गर्म और नीचे वाला ठंडा। तो यही होता है फ्रेंड्स इस गाड़ी के अंदर एंड हर एक गाड़ी के अंदर कि ऊपर वाला पाइप इस कंडीशन में ज़्यादा गर्म रहता है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।